Assalam-o-Alaikum everyone, welcome to On The Menu. I hope आप सब खैरियत से होंगे. आज हम बना रहे हैं तंदूरी चिकन. बहुत क्विक रेसिपी है. आइए सबसे पहले रेसिपी कार्ड देख लेते हैं. सबसे पहले हम एक बोल में 750 ग्राम चिकन लेंगे. इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 40 ग्राम तंदूरी मसाला ऐड करेंगे. आप बाजार में अवेलेबल किसी भी अच्छे ब्रांड का तंदूरी मसाला ले सकते हैं. अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट होने देंगे फॉर अबाउट 30 मिनट्स. आधे घंटे बाद हम चिकन में 1 टेबलस्पून ऑयल और 500 ग्राम योगर्ट ऐड करेंगे. अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे. हम तंदूरी चिकन को सर्व करेंगे उबले हुए चावलों के साथ. इसलिए जितनी देर में चिकन मैरिनेट हो रहा है हम चावल बॉईल कर लेंगे. एक देगची में 1 टेबलस्पून ऑयल और 1.5 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे. जैसे ही बटर मेल्ट होगा हम इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे. अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर कवर करके 15 मिनट के लिए चिकन को पकने देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए. जितनी देर में चिकन गल रहा है हम एक कोयला दहकने के लिए रख देंगे. आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद ऑयल भी ऊपर आ चुका है और चिकन भी गल चुकी है. अब हम इसकी ग्रेवी को थिक करेंगे जिसके लिए हम इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड करेंगे. मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेके 3 टेबलस्पून पानी में डिसॉल्व कर लिया था और वो इसमें ऐड करेंगे. आप ग्रेवी को जितना थिक रखना चाहें आप उतनी स्लरी ऐड कर सकते हैं. और अब हम इसको स्मोक देंगे. इसके लिए हमने जो कोयला दहकने के लिए रखा था उसको एक प्लेट में रख के इस देगची में रखेंगे और इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके कवर कर देंगे. तंदूरी चिकन को सर्व करेंगे हम सादे उबले हुए चावलों के साथ जिनको जर्दा रंग से मैंने येलो कलर दिया है. आप लोग चाहें तो आप लोग ज़ाफ़रान भी यूज़ कर सकते हैं. चावलों को हम गार्निश करेंगे बारबेरीज यानी जरिश्क से. ये कॉम्बिनेशन तंदूरी चिकन को बहुत मज़ेदार फ्लेवर देता है. आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करेंगे. मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा. इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.